हाँ तो बताइए आपका एग्जाम क्या था। हाँ सर, एग्जाम तो हम लोग का खत्म हो गया है बढ़िया से, लेकिन अच्छा दो तरह से क्वेश्चन था। अच्छा जैसे अच्छा बहुत ज्यादा आपको अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो जी बहुत ज्यादा आपको इजी क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। अच्छा अगर फर्स्ट पार्ट को अगर 50 मार्क्स वाला पार्ट को पकड़ते हैं हम लोग सर, तो उसको अगर लेके चलेंगे तो उसमें से मतलब हम क्वेश्चन जो जो हमको याद है हम आपको बता देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक जैसे था कि सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, भाखड़ा आइए। नेंगल डैम था और नागार्जुन डैम था, बहुत सारे चार ऑप्शन दिया हुआ था। तो अच्छा मेरा थोड़ा सा जीके वीक था तो हमको कंफर्म आंसर ये सबको पता नहीं है, तो हम कुछ भी मारे हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग में एक रिलेशन से क्वेश्चन था कि ब्लड ए का रिलेशन। भाई बी है और बी का अच्छा भाई अच्छा सी है, इस तरह का। आओ सर, एक तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था एकदम पक्का वाला। फिर अच्छा अच्छा उसमें एक तो ये वाला क्वेश्चन था कि मोहन के पास चार कुछ कुछ गाय है और कुछ भेड़ है, तो पैरों की संख्या टोटल संख्या 100 है और सर की टोटल संख्या 38 है, तो गाय की संख्या और भेड़ की संख्या दोनों का अनुपात कितना होगा, अच्छा अच्छा रेशियो प्रोपोर्शन से था एक क्वेश्चन। फिर अच्छा रेशियो हाँ रेशियो प्रोपोर्शन तो कैसा फिर क्वेश्चन था। वही रेशियो प्रोपोर्शन से दो तीन टाइप का क्वेश्चन था कि एक नंबर है उसको अगर हम लोग 119 से डिवाइड करते हैं तो उसका कितना रिमाइंडर शेष क्या बचेगा, और उसी संख्या को हम लोग 17 से डिवाइड करते हैं तो उसका शेष क्या बचेगा, दोनों का शेष का अनुपात बताइए, अच्छा इस अच्छा टाइप का क्वेश्चन था। फिर जी बिहार में राज्यसभा के लोग राज्यसभा में कितनी सीट होती है, अच्छा ये क्वेश्चन था एक एक क्वेश्चन। यानी ये और कुछ क्वेश्चन मेरे रिपीट को भी याद किया आ है, रहा है बिहार में राज्यसभा के कुछ, सीट जो है वो रिपीट किया गया है। हाँ अभी हाँ रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ था। अच्छा हाँ ठीक ठीक और ठीक बोल बताइए। रहे सर। हाँ और बाकी रीजनिंग से था क्वेश्चन, फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है वो काउंट करने वाला एक फिगर दे दिया था, उस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना था हम लोग को, तो अच्छा अच्छा कितने वो ट्रायंगल दिया बताना था। था। तो ये इजी दिया था कि नहीं टफ था, थोड़ा एवरेज था। क्वेश्चन का लेवल बता देते सर, आप अगर जब से पार्ट ए में ना आपको 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। हाँ और 25 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का है, बाकी जो कंप्यूटर साइंस जो पार्ट बी था कंप्यूटर साइंस में सर 100 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। आप ज्यादा जैसे एक चीज हम और फेस किए ना सर कि ये नन और बीज वाला ऑप्शन बहुत सारा, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन में ऑप्शन तीनों दिया है लेकिन फिर नन ऑफ द बीज है लास्ट में। अगर कोई आंसर अगर जानता है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था। आपको दो ऑप्शन आसानी से आप हटा दीजिएगा लेकिन बाकी जैसे एक क्वेश्चन हमको याद है कि मेन जो होता है ना सी में मेन फंक्शन जो होता है अब उसको क्या बोलते हैं, उसको तो हम लोग सर फंक्शन बोलते हैं। अब ऑप्शन में दिया हुआ फंक्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन में फंक्शन नेम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि फंक्शन मारे कि फंक्शन नेम मारे। बाकी अब स्टैटिक है और इंट है ये दोनों तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं। उसमें बोथ ऑफ देम नहीं दिया गया था क्या। नहीं बोथ ऑफ देम वाला आंसर नहीं था, ठीक यानी है। पूरा तो कंप्यूटर बहुत साइंस का लेवल हाई था। हाई नहीं बोल सकते हैं आप, 40-45 क्या उसमें इजी भी था। जैसे अगर कोई तैयारी अच्छा तरीका से 1 महीना में एक महीना किया होगा तो ये सबसे इजी क्वेश्चन जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है, अच्छा तो फिर उसके बाद आईबीएम का जो आईबीएम से रिलेटेड उसका फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छा ये फिर सारा उसके क्वेश्चन बाद। मैंने कराया भी है, ये फर्स्ट जनरेशन क्वेश्चन हाँ हाँ सर का हाँ फुल फॉर्म। अच्छा हाँ हाँ चलिए हाँ ठीक सर, है तो आगे बताइए। हम लोग हाँ तो ये सब क्वेश्चन जो इजी लेवल का था ना वो तो सब बना देगा सर, लेकिन अच्छा जो मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन था ना उसको जिसको पता होगा वही बनाएगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अगर पढ़ने से भी हम लोग को समझ में आ जाता था सर कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो पढ़ के अच्छा ही समझ में आ जाता था। फुल फॉर्म से कितना तो क्वेश्चन पूछा गया था।
फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन मेरे को मेरा सेट में एक ही क्वेश्चन था आईबीएम वाला, और फुल फॉर्म से और कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ फिर गेट से एक क्वेश्चन था कि कौन सा, बहुत इजी क्वेश्चन था गेट से कि कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा गेट है, लॉजिक गेट है, एंड था और था नॉट था और स्टैटिक था, तो स्टैटिक नहीं है, बाकी तीनों तो गेट है। हाँ तो वो सब, हाँ वो सब इजी क्वेश्चन था। और कंप्यूटर से ये क्या बोलते हैं कि, अरे एक क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट कंप्यूटर महासभा मतलब कौन सा ईस्वी में किया गया था, तो एक मैनिफेस्टो किया गया कराया गया था कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब मेला बोल सकते हैं उसको, तो वो कौन सा ईस्वी में कराया था उसका, उसका हम लोग को ईयर बताना था। अच्छा हाँ, और सर जहाँ इसका क्या सर 1980 था, 1990 था, 1999 था, सब 19th सेंचुरी का ही ऑप्शन था। अच्छा अच्छा हाँ। और मैथ से कितना क्वेश्चन था? मैथ से क्वेश्चन था, अभी सर रिवर से भी दो क्वेश्चन था इस बार, रिवर से मेरा सेट में दो क्वेश्चन मिला। रिवर जैसे लुधियाना, लुधियाना कौन सी नदी के पास है, गोमती नदी, सतलज नदी, चार ऑप्शन दिया हुआ था, मेरे को याद नहीं है। फिर और ट्रांजिस्टर कौन सा कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में या फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, किस कौन जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज होता है, ये था। फिर और क्या था सर, याद करने दीजिए, याद कीजिए, याद करके बताइए जी। अच्छा मैथ 40-50 क्वेश्चन तो इजीली हम लोग बना सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, बाकी जो थोड़ा बहुत तैयारी किए 50 मार्क्स में, अगर हम 30 मार्क्स से एकदम करेक्ट किए हैं। अच्छा, बाकी एक ये वाला क्वेश्चन बहुत हमको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लगा, भेड़ और गाय वाला जो बताए। अच्छा अच्छा, 100 टोटल पैरों की संख्या बता रहा है 100। अच्छा, और ये टोटल सर की संख्या बता रहा है 38। अब लेकिन अब मान लीजिए टोटल पैरों की संख्या 100 है, तो चार पैर तो भेड़ का भी होता है, चार पैर तो गाय का भी होता है, हाँ। चार सौ वो मुर्गा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ उसमें मुर्गा मुर्गी का ऑप्शन ये नहीं रखता है मुर्गा, नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर वो ऑप्शन नहीं था। अच्छा भैंस और भेड़ ही पूछा था। हाँ तो भैंस गाय और भेड़। अच्छा गाय और भेड़, इन सब का तो 40 पैर होता है। हाँ और 100 संख्या दिया है, तो मेरे को समझ भी नहीं आया कि ऐसे अगर 4 से डिवाइड कर दे 100 पैर को तो 25 जानवर ही निकलेगा, लेकिन अब टोटल 38 सर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था सर। अच्छा अच्छा, और एक अच्छा क्वेश्चन था ये कि चाइना से दो रिलेटेड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी जिनका एग्जाम है 4:30 बजे शिफ्ट हुआ, चाइना से रिलेटेड दो क्वेश्चन था, एक था कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर को क्या बोलते हैं। अच्छा, उसको नाथुला पास ऑप्शन में था, फिर रेड क्लिफ था ऑप्शन में, फिर और दो ऑप्शन था मुझे याद नहीं है, चाइना और इंडिया के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, और एक क्वेश्चन चाइना से और था कि चाइना अपना फर्स्ट वार किसके साथ लड़ा था, इजिप्ट के साथ लड़ा था, ग्रीक के साथ लड़ा था, या फिर ब्रिटेन के साथ लड़ा था, तीन और पता नहीं एक ऑप्शन था, तो ये सब क्वेश्चन अगर जिनका एग्जाम है वो देख ले तो उनको लड़ जाएगा ये सब क्वेश्चन। चाइना और भारत का विवाद करंट चल रहा है इसलिए। हाँ ये भी था, एक बताते हैं सर, यूनिसेफ कहाँ है, यूनिसेफ चिल्ड्रेन फंड का जो उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यूएसए में है, फिर ऑप्शन में ब्रिटेन था, स्विट्जरलैंड था, और एक ऑप्शन हमको याद नहीं है। अच्छा, ये कुछ कुछ क्वेश्चन हमको याद है जी जी, हाँ आपको तो बहुत सारा क्वेश्चन याद है जो आपने बता दिया। चलिए ये रिजल्ट कब तक आता है और क्या होता है, ठीक है जी जी सर जी, मैं सड्डा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।